तो जी गुड मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं फूजी, माउंट फूजी। उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारा। जे आर पास हमने एक्टिवेट कराया है, और जे आर पास एक्टिवेट कराने के बाद हमारी जैसे होटल से यहाँ तक जो स्टेशन है, जहाँ से फूजी एक्सकर्शन ट्रेन चलती है, वो तो उसके अंदर ही कवर है। जैसे हमारी है यामामोटो लाइन, तो एक स्टेशन है शिंजुकू आए, और वहाँ से आके हमें करानी थी जे आर पास के ऊपर टिकट रिजर्व ओत्सुकी तक। ओत्सुकी से आगे पे करना पड़ेगा, पर ओत्सुकी तक तो फ्री है। ये जो भी ट्रेन है ना, ऐसी वाली ट्रेन जाएगी, थोड़ी देर में आएगी हमारी। तो टिकट बुक कराने का तरीका क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें भी थोड़ा टाइम लगा, बताता हूँ। देखो यार, ये है जैसे आपके ना ऐसी मशीन लगी होगी राइट, उस पर गए जैसे ये यहाँ पर जाके पहले तो जे आर पास क्लिक करना, पहले ऊपर कर जा रहे थे, फिर इंग्लिश सेलेक्ट की, ठीक है, कन्फर्म करो, आपको पासपोर्ट नंबर चाहिए होंगे, इसके बाद ट्रेन टू यूज नाउ, ठीक है, सिलेक्ट किया, कितने लोगों ने जाना है, कन्फर्म। उसके बाद यहाँ पर अपना आपको टिकट स्कैन करनी है, जो जे आर पास का क्यू आर कोड होगा, जब वो आप कर दोगे आगे मैं समझा देता हूँ आपको। करी दूँगा एक बार, दिखाऊँ जरा सर, कैंसिल कर देंगे, ये किया जैसे, ठीक है, इसका क्यू आर कोड था, कर दिया। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट डिटेल मांगेगा, केड़ा ये 8459 याद है नंबर, चलो जो भी है, जब आप ये कर दोगे ना, मैं आपको समझाता हूँ ये, इसको कैंसिल करो, ठीक है। इसके बाद आपको जब आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल दोगे ना, मतलब जिस टिकट का, टिकट जब आप लेते हो उसके अंदर आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होता है, जब आप टिकट डाल दोगे मतलब स्कैन कर दोगे, वही मेरा पासपोर्ट नंबर वहाँ डालना है, आगे करोगे फिर वो आपको बोलेगा कि ठीक है अगला, कि आपने पहले चार बंदे सेलेक्ट किया ना, फिर अगले का करो, स्कैन करो उसकी डिटेल डालो, फिर स्कैन करो डिटेल डालो, सबकी डालोगे, उसके बाद ओके ओके करके आगे जाओगे, फिर आप सिलेक्ट करोगे, फिर आएगा आपको सीट, मतलब सिलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी, सिलेक्ट करोगे, जब वो सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद फिर आपकी टिकट्स प्रिंट होके आ जाती है। टिकट्स कुछ ऐसी आएंगी प्रिंट होके, ऑलमोस्ट जे आर पास जैसी हैं, तो कन्फ्यूज तो ऐसे जैसे है ना, ये टिकट्स आ गई, जैसे हमारी है आज की, दिख रही है आपको, नो स्मोकिंग वाली है, 10:30 की है, 30 सितंबर की है, काई जी 15 नंबर है, तो ये सब देख के आपको जाना है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको दिखाते हैं आगे थोड़ी देर में ट्रेन, और वैसे ये है बस रूट आपका यार, अगर आपको जाना माउंट फूजी जे आर पास यूज़ करके ना, सारा कवर नहीं है, जैसे ये यहाँ से ओत्सुकी जगह 1 घंटा समथिंग लेती है, और ये तेज़ ट्रेन है, बेसिकली बुलेट ट्रेन है पर तेज़ ट्रेन है, यहाँ से आपको ओत्सुकी से उतर के कावागुची को तक जाना है, ये मेन है, मतलब माउंट फूजी स्टेशन पर उतर जाना, वहाँ कुछ नहीं है, कावागुची को स्टेशन जाना है आपको, ठीक है, ओत्सुकी से उतर जाना, फाइन, वहाँ से आगे आपको दूसरी लेनी है, फिर हम बताते हैं आपको दूसरी, ठीक है। ये आगे हमारी ट्रेन IT15 जो आपका नंबर भी बता रहा था, इस पर लिखा हुआ है, ये सीट है अंदर वगैरह, आपको अंदर से बात दिखाते हैं। हमने वॉशरूम वाली सीट कराई थी, मतलब आपको दिख जाता जब रिजर्व कराते ना सीट, कि इसमें वॉशरूम है, बेबी चेंजिंग वाला है, इसमें सब कुछ था, तो हमने ये वाली करा ली, तो सही है, 6 नंबर पे आनी थी, मतलब 6 नंबर कोच था हमारा, 6 है, ये आ गया अंदर, हम अनाउंसमेंट हो रही है, ये सीट है काफ़ी खुली है, कौन सी सीट रिजर्व है, हरी हरी मतलब रिजर्व, और तो जी उतर गए हो सुकी स्टेशन, अब यहाँ से हमें पकड़नी है ये जी क्यू रेलवे, ठीक है, माउंट फूजी की तरफ को, सारी जगह मार्किंग है, हो जाना 13 राउंड से, 11:31 पे भी है, 11:36 पे भी है, तो ठीक है यार, मतलब हमें कन्फ्यूजन होती है कि सेम है ट्रेन या नहीं, अलग है, पर हर जगह बना हुआ है, आराम से पहुँच जाओगे, पहुँच जाना चाहिए, पूरा थैंक यू। जी क्यू रेलवे जाते हैं, टिकट लेते हैं आगे की कावागुची को की, परचेजिंग टिकट विद ट्रांसफर टिकट, टिकट लेते हैं चल, और उसके
उसके बाद ऐसे दोनों इकट्ठी डाल दी वहाँ से भाई पकड़ी। अरे क्या तो जाइमा सो ट्रेन दिस दिस ट्रेन एनी सीट ओके ये लगी रेट सुंदर सी नारुतो बैठो भाई बड़ी सुंदर सी पहले बनी है ये बैठो ये बैठ गए भाई हम चलो अभी जाइए कावागुची तो वहाँ आएगा ये वो देखो ओत्सुकी किसी हो गया मटाई नहीं गया अभी आएगा इंग्लिश के अंदर फिर टिकट ली 1100 की सिंपल है फिर महंगी है मतलब 500 रुपये से ऊपर की इंडिया के जैपनीज हो गया यार ओके पता नहीं यार क्या है I don't know हम अब बच्ची को तक जानी चाहिए शान आ गया मेरे को मैप लगा इस तरफ है शायद ओत्सुकी ओ लास्ट स्टॉप है ओके FJ70 ठीक है ये एंड में जानी वहीं लगे चलो बैठे कर जापान के गांव stations और ये सामने से आ रही है वापस ट्रेन जिसमें हम आए हर एक ट्रेन के ऊपर कुछ कुछ ऐसे बनाए हुए हैं ये स्टिक कार्टूनिस्ट से शिमो योशिदा स्टेशन काफ़ी लोग उतर रहे हैं उस ट्रेन से वो हमारी ट्रेन की फ़ोटो खींच रहे हैं इधर बादल बहुत है पता नहीं यार माउंट फूजी आई नज़र आएगा कि नहीं देखते तो जी कावागुची को स्टेशन पहुंच गए टोयोटा की एड रेंट कार की तो जी का इसी ट्रेन के आगे से निकल के जाना है इस ट्रेन में पूरा एसी की थी यार मेरे को पता भी नहीं भाई कोई एनिमे वाला हो तो उसको पता होगा जे आर ईस्ट पास जापान ट्रेन पास इनवैलिड यू हैव टिकट्स फॉर प्लीज पे यार फोटो आ रही है नहीं चलो वहाँ अपनी टिकट दिखा के निकलते हैं मुझे मेरी भी खींच दे ऐसा है यार कि ना आ जाए बादल माउंट फूजी दिख तो नहीं रहा तो अभी हम जा रहे हैं ये लेक कावागुची को वहाँ से देखते हैं क्या क्या दिखता है होपफुली बादल हट जाएँ वहाँ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में गए थे तो वहाँ उन्होंने बोला जो चोरीटो पगोडा है वो जो ऊपर जाएंगी फोटो होती है हमेशा जापान जब भी आप सर्च करोगे जैसे माउंट फूजी दिख रहा होता है वो टेम्पल से के साथ तो वहाँ जाने के लिए तो ट्रेन लेनी पड़नी है अंदर से एक ही ट्रेन है कहते हैं तो वो तो चलो मिल जाएगी जो भी है बट अभी जा रहे हैं और यहाँ टॉयलेट है सब यहाँ गए हुए अभी जापान में ये अच्छा है हर जगह पे ना ऐसे वॉशरूम बनाए हैं और काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे फ्री ये कहीं नहीं मेरे को दिखे हैं फ्री वाले ये तो इंडिया में भी नहीं होते फ्री शुरू से चले के पैसे थे ऑल्दो कम होते हैं बट चलो जो भी है तो अभी हम जाएंगे यहाँ कावागुची को बाकी भी पढ़ लेते हैं यही होगा कावागुची का स्टेशन विकेट और कावागुची को दे रहा लॉकेट इस तरफ कुछ नहीं है भाई तो ठीक है इधर ही चलते हैं रास्ता शायद फिर लिखा ही होगा हर तरफ
घूमते हैं, ये बस स्टॉप है यहाँ से भाई नारीता नरूटा एयरपोर्ट तक के लिए जा रही है बस, तो सही है टैक्सी। तो अब जब वहाँ पहुँचते हैं आपको बताते हैं आगे। तो जी ये जो सबसे फेमस वाला लॉसन है जिसके ठीक पीछे माउंट फूजी है, आज तो कुछ नहीं है, एक हल्का सा नीला वो दिखा है, होपफुली थोड़ी देर में दिखने लग पड़े माउंट फूजी। तो हम जाते हैं, फोटो खींच लिए हमने, हम जाने लगे हैं लेक कावागुची की तरफ। चल रोड के किनारे लेक कावागुची जाते हुए अब हम चले हुए हैं जी लेक कावागुची की तरफ, खा पी के आगे कंटिन्यू बच्चे सिर के ऊपर और वीडियो बनाते हुए चले। और यहाँ के आसपास लोगों के घर, पर मेरा बच्चा बोल रहा है कि उसको ग्रूम में जाके चिप्स खाने हैं। थोड़ी धूप आ रही है, वो ऊपर पहाड़ पे मेरे को दिख रही है, तो होपफुली हमारी बैक पे है माउंट फूजी दिख जाए, लेक से दिख जाए तो बेस्ट है। यहाँ थोड़ी हवा ठंडी है कंपेरेटिवली टोक्यो से, है ना, तो सही है। पर इसके बाद हमने यहाँ जाना है जैसे ओसाका क्योटो, वो थोड़ा नीचे है टोक्यो से भी, तो मेरे ख्याल वहाँ ठंड नहीं होगी इतनी भी, यहाँ थोड़ी ठंड है मे बी, बाकी देखते हैं। इन लोगों की मैंने स्वेट शर्टें निकलवा दी थी, अगर ठंड होगी तो मेरे को पूछना आ जाएगा, तो बेटर है ठंड नहीं हो। और जी फाइनली 2.5 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच गए हम लेक कावागुची, जिसके नाम पे है शहर का नाम कावागुची को आई थिंक। और सामने जो है हरी हरी मेडोज या माउंट्स जो भी हैं, और ये साइन का मतलब है कुत्ते को कीप डॉग ऑन लीश बेसिकली, कि बांध के रखो खुला ना छोड़ो। और सुंदर सी लेक, वही वॉशरूम है ऐसी, इसको जाना था ना पूछ ले। और ये रहा वॉशरूम, यहीं पर पता नहीं जाली क्यों लगाई, शायद पंछी आते होंगे प्रोबेबली, तो अंदर ना चले जाएं इसलिए कवर किया। बाकी है तो ओ बड़ा सा ब्रिज, बजरी सही लग रहा है यार, यहाँ फोटोग्राफी का सेशन होता हुआ। पानी भी है पीने वाला, हाँ तो हो रहा वॉशरूम जाया हुआ यार। चलो जी एक वॉशरूम वाली ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया जी लेक कावागुची, पता नहीं कैमरा में कितना सुंदर लग रहा है लेकिन बहुत सुंदर है ये पूरा हरा, फ्लफी वाली जो घास होती है वो पूरा दिखाता हूँ। और उधर माउंट फूजी का ना थोड़ा वो नज़र आने लगा है एजेस, तो होपफुली दिख जाए आज। बैठते हैं थोड़ी देर, ब्रिज भाई इधर उधर घूमते घूमते चले हैं, माउंट फूजी नजर आने लग पड़ा, बहुत ऊपर नीचे ये दिख रहा है बादलों के पीछे, ये माउंट फूजी है। ओ भाई 5-4 किलोमीटर हो गए भाई चलते चलते ऊपर नीचे, तो देखते हैं इसे बढ़िया भी दिखता है। तो जी पूरी वॉक कर कर के पहुँचे वापस कावागुची को स्टेशन। अब हमें जाना है चुरितो पगोडा, तो उसके लिए ये शिमो योशिदा की 370 येन 310 येन की टिकट है, सबकी 4 टिकटें नहीं है, तो इसमें बैठना वापस है जिसमें सुबह आए थे उठ चुकी हुई, और शायद उसके बाद जब वापस जाना है हमें टोक्यो, तो यही ट्रेन जाएगी उठ चुकी तक, तो उठ चुकी से तो आगे फिर वही है जे आर पास में, ठीक है देखते हैं। तो पहुंच गए जी हम शिमयोशिदा स्टेशन, यहाँ से निकल के अब हम जाएंगे और आगे जा रही है चुरी, इसने उत्सुकी तक जाना है ट्रेन है, इस ट्रेन में हम आए हैं अभी, बाद में भी इसी ट्रेन में हमने आगे जाना है उत्सुकी तक, बट अभी जा रहे हैं हम ये कहाँ जा रहे हैं चुरितो पगोडा, हाँ पता नहीं नो आइडिया इन्हीं का, ये शायद वापस उधर को जा रहे होंगे अभी कावागुची को जा रहे होंगे, मैं पहाड़ पर दिख रहा था वो आगे देख रहा मेरा ये रहा सामने, इसके होना चाहिए वैसे पता नहीं किधर, अब देखते हैं यार निकल के किधर को। चलो
निकलते हैं, मैं तो सुनता रहा। बाहर जाके बनाते हैं, ये है जी पूरा दिया हुआ, वहाँ आना, इधर इधर ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे ऐसे फिर स्टेयर्स, और वहाँ से ही माउंट फूजी का ये व्यू देखना चाहिए भाई। हाँ देखते हैं, बाकी 20 मिनट की वॉक है इधर को। देखो जी हर जगह लिखा हुआ है किधर से जाना है। देखो यहाँ फॉर पेडेस्ट्रियंस, अरब भी आता है शेंगेन पार्क, और ये नीचे सारी जगह लगा भी हुआ है, ये आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे घूम नहीं सकते आप, तो कोई मैप की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो फोटो, ठीक है, हर जगह इसके वो बना, पूरा रास्ता ही ऐसे मार्क्ड है, तो सही है। खाली पता नहीं क्यों है सारा, शायद फूजी दिख नहीं रहा अभी, पता नहीं है किस तरफ, तो वो भी नहीं समझ आ रहा डायरेक्शन। चलो जो भी है, 21 मिनट दिखा रहा है गूगल, और उन्होंने 20 मिनट लिखा, तो रफली उतने पहुंच जाएंगे। 396 स्टेयर्स है, तो सीढ़ियों पे जाके देखते हैं आगे। चलो भाई, तो वो रहा माउंट फूजी साइड पे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलो कंटिन्यू बैक ऑन ट्रैक, फॉलोइंग ये सारे के सारे जो मार्कर्स हैं। चलो थोड़ा सा ही ऊपर मतलब चला चले, और भाई सीढ़ियाँ होगी शुरू। और ये आ गया एक ऑरेंज वाला टोरी गेट, जैसे वो फिशी मीनारी श्राइन वाला है। जनता यहाँ से शायद माउंट फूजी की फोटो ले रही है, हम भी लेंगे। चलो आई वे क्या रही है, देखो माउंट फूजी आखिरकार हमें दिखने लगी, पढ़ाई दिख रहा है, सही लग रहा है। वैसे उतना साफ नहीं दिख रहा मतलब, बट एटलीस्ट दिख रहा है यार। तो चलो जी सीढ़ियाँ, आई थिंक अभी 14-15 चढ़े हैं हम। तो भाई सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गए जो एक्चुअली पगोडा है, फ़ोटो खींचने के लिए वहाँ पीछे जाते हैं अभी। वहाँ थोड़ी सी और सीढ़ियाँ होंगी, पर ये रहा पगोडा, सुंदर कलर है। यहाँ से माउंट फूजी ऊपर से दिखेगा। अभी हमारे साथ वाले आते हैं, सांस कटी करके फिर चलते हैं ऊपर। ये है भाई वो व्यू जिसके लिए इतना चढ़ के आए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है यार, तो जी आ गए हम ऊपर से देख के। देखो हमारे पास अब जान लपड़ा वापस बांधों के पीछे, हमारी किस्मत अच्छी थी दिख गया, तो क्योंकि 70% टाइम ये नहीं दिखता है, तो कंसिडर योर सेल्फ लकी अगर आपको दिख जाए तो सही है यार। और अच्छा है वॉशरूम भी है यार यहाँ पे, किसको जाना था ये रहा वॉशरूम, ये रहा पीछे यहाँ वॉशरूम भी है भाई, वो सुन नहीं ना रे। चलो ठीक है फिर, ठीक है भाई सब हम जा रहे हैं वापस, ट्रेन पकड़ेंगे ओत्सुकी तक, ओत्सुकी से पकड़ेंगे अपनी दूसरी क्या थी वो एक्सप्रेस जो भी थी, और वापस टोक्यो। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। ओ यार, और जाते जाते मैंने सोचा एक और चीज़ है ना, किसी का किचन गार्डन सा है, बैंगन वो सूखने डाले हुए, पता नहीं क्या, ये शायद गन्ने हैं, ये गन्ने क्या है, मैंने प्याज नहीं यार, प्याज वो है, मोटा प्याज है, ओके प्याज है, ये सब उगाया हुआ अपना किचन गार्डन है इनका यार, सही है इस घर का। आंटी भी स्माइल दे रही थी वैसे, अच्छी है नाइस। तो ये एंड में सारा कर कुर के अपने होटल के पास आ गए, और इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए, देखते हैं कैसा है, अच्छा है कि बुरा। चलो आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। मैं सोचा एक और बार करके बता दूंगा आपको हमने जो खाना मंगाया, तो ये 1650 की थाली है, 1650 की इंक्लूडिंग टैक्स जैसे करके ना, ये खाना है, ये खा, जैसे इसमें राइस है, ये जैसे वेज है, ये वो दाल है, वेज करी दाल, नान नान बड़ा है, और एक सैलेड भी था, हाँ, बच्चा खा रहा सैलेड, ये एकरी एकरी सैलेड, नान चिकन दाल सैलेड, और थोड़े से चावल, लग तो सही रहा। 1650 तो ठीक ही है, इंडिया कितने हुए 700 800 800 रुपये हुए, ठीक है ये, ठीक है जी चलो अब बाय।